ना आप अपने को इस हिसाब ना आप कमीज पजामे की कटिंग करा लंबाई अपने को 40 इंच तैयार है। बाजू इसकी अद्धी है 10 इंच बाजू हैगी। तीरा है 18.5 इंच छाती है 23 इंच कमर हैगी बचालो रखना अपने 22.5 इंच जाने की खीसा के उपरों घेरा है 23 इंच तैयार। हिप भी 23 इंच तैयार है गी। इस हिसाब न कटिंग करा पजामे की लंबाई हैगी 38.5 इंच मूहरी 15 इंच पट अप रखा 14.5 इंच। ये अपने को 5 मीटर कपड़ा 5 मीटर कपड़े आप कुर्ते पजामे की कटिंग करा पहले आप कमीज की लंबाई की कटिंग करा। कमीज अपने को 40 इंच तैयार है गा। कपड़ा अपने को छोटे बने जिस तरह कि आम तौर पर कमीज पजामे का छोटे बने का कपड़ा होंगे छोटे बने अपने को 5 मीटर कपड़ा। पना है इसका 35 इंच 35 इंच बने का कपड़े अपने को पहला आप इसकी लंबाई लाँगे। लंबाई हैगी इसकी 40 इंच तैयार। इसमें आप 40 इंच कटिंग करा जाने कि डबल कर लाँगे। ये 40 इंच आप देखो निशान लाया 40 इंच से 40 इंच अपने को तैयार है कमीज जड़ा कमीज हैगा। इसमें आप डबल कर लाँगे। जी अपने लंबाई लानी होंगी पूरी ही लानी होंगी है कि जिस तरह कि 40 इंच तैयार है 40 इंच लंबाई लाहांगे क्योंकि इस विच तीरा पैंदा हुंदा कमीज विच उस नाल जिहड़ी अपनी मड़ाई हुंदी है वह सारा उहदे विचों मार्जन निकलिया हुंदा गा। दुबारा फिर इसनूं आपां चैक करांगे। ये अपने को दो तेह हो गई 40-40 इंच दियाँ। पहला आप लावे कमीज का घेरा इन अपने 4 तेह फोल्ड कर लिया कपड़े न। कमीज का घेरा अपने को 23 इंच तैयार है गा। उसमें आप 24 इंच कटिंग का करा जाने कि 1 इंच ज़्यादा। पहला आप जी कन्नी है उस कटिंग करके अलग कर लाँगे। इस तो बाद जी आप घेर का नाप लवेंगे 3 इंच तैयार अपने को 24 इंच तो कटिंग करा 1 इंच ज़्यादा लवेंगे क्योंकि जोड़े घेरे अपने बरीक फोल्ड करने होंगे ने इस करके। ये हो गया अपने को कमीज का कपड़ा। ये तुम देखो भी अपने जोड़ा कुंडा कट्ठे ही रखना गा क्योंकि इस जगह ये जगह अपने ने उपर लेके जानी है गी। पहले कपड़े आप सारे दूरा कर लाँगे इस तरह सारी तह खोल के इस तरह इसकी तह लावे जाने कि इसनों अपने डबल फोल्ड कर लिया कपड़े न। जड़ा अपने कमीज पजामे का नाप लाया ये बनया हुआ कमीज पजामा से अपने को नाप वाला उस तो ही नाप ला के उस हिसाब न आप इसकी कटिंग कर ले जड़ा अपने बॉडी तो नाप लेना हुंदा गा उहदा अलग हिसाब हुंदा गा वह भी असीं तुहानूं अगे वीडियो पावांगे। बॉडी तो नाप लैण दी भी उस विच कितनी अपने लूजिंग पाउणी हुंदी है। जड़ा अपने नाप लेता कमीज पजामे तो लेता उस हिसाब न आप इसकी कटिंग कर रहे हैं। जिहड़ा आप कमीज कटिंग करा उत्ते फट्टी वाला उपर फट्टी वाला अपने को कमीज पजामा एक हुंदा बल वाली फट्टी वाला।
ये देखो अपने हुण अग्गा पिछा दोन्ने हो गए। चाली इंच अपने कोल कपड़ा सारा, चाली इंच अपने कोल कुर्ता तैयार आ, क्योंकि इस विच अपना तीरा पैना, उस नाल जिहड़ा अपना यह मड़ाई वाला सारा उस विच मार्जन आ जूगा। पहला हुण आपां घेरे दी गलियाई दा निशान लावांगे। ये देखो अपने चारे पल्ले इक सार ने बिल्कुल, जिहड़ा अपने गलियाई दा निशान लाउणा इस तरह लाउणा, यानी कि चार इंच दे इस साइड निशान लाउणा आपां ने, चार इंच इस साइड, उस तो बाद इस तरह निशान ला लाँगे। जी अपनी गलियाई पानी है इस तरह पावे, ये कपड़े आप कि छांट देंगे। ये अपने देखो चारे पल्ले एक सार ने, उस तो बाद आपां की करना जिहड़ा अपना अगला पल्ला गा उसनू अद्धा इंच वधा लेना, यानी कि जिहड़ा अपना पिछला पल्ला उसनू आपां उपर नू कर लांगे। ये देखो इस तरह अद्धा इंच अपने जिहड़ा मूरला फ्रंट आ उसनू वधा लिया, इस नाल जिहड़ा अपना कुर्ता पिछे जाण दी प्रॉब्लम नहीं आउंदी हैगी। ये देखो अपने अद्धा इंच इसनू वधा लिया, क्योंकि पेट तो कई बार कमीज झक्या जाता हों, प्रॉब्लम इस नाल बिल्कुल नहीं आती हैगी। उस तो बाद आप लावे उपरले निशान, पहला आप लावे तीरा का निशान। तीरा अपने को हैगा 18.5 इंच तैयार, यानी कि 9.25 इंच। इसनू आप निशान लावे 10.25 इंच से, इस तरह निशान लावे। उस तो बाद लावे मोढ़े का निशान, जिहड़ा अपने मोढ़े का निशान लाना वह लावे आप 8 इंच से, इस तरह 8 इंच से निशान ला लेंगे। जेकर नाप भारी है तो तुम 8.5 भी कर सकते हो। इस निशान के हिसाब न ही आप हेठा निशान लावे, यानी कि 10.25 इंच से, इस तरह। उस तो बाद इसनों आप गलियाई दे देंगे। जिहड़े अपने दूसरे निशान लाने ने वह बाद विच लावांगे, पहला आप गलियाई की कटिंग करांगे। पहला उपरले दो पल्ले चकांगे आप फ्रंट वाले, ये हो गए अपने बैक वाले पल्ले, यानी कि पिछली छांट। इस तरह ये हो गया अपनी पिछली छांट। पहला आप लावे ये वाले निशान, उस तो बाद उपरले निशान लावे। छाती हैगी अपने को 23 इंच तैयार, इस जगह पर अपनी सिलाई आऊगी। ये हो गया अपना बचालो, बचालो हैगा 22.5 इंच, इस तरह। ये अपने निशान लाया 14.5 इंच से बचालो, जिहड़ी इहदी सिलाई रखनी आप रखांगे 16 इंच की। इस जगह तो भी अपने को 23 इंच आ, इस तरह अपनी जी सिलाई आऊगी। जो कुर्ते दबा आना सिर्फ 1/2 इंच का दबा आना हों, क्योंकि इस विच कमीज मंगू ज़्यादा दबा नहीं ले सकते।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਗੀਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 7 ਇੰਚ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਕਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 1/4 ਇੰਚ। ਇਹ 1/4 ਇੰਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 1.5-2 ਇੰਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗਲਿਆਈ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੈਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਰਾ ਪਊਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਿਆਈ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ 2.5 ਇੰਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੱਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜੀ 16.5 ਇੰਚ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ 2.5 ਇੰਚ 'ਤੇ। ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 2.5-3 ਇੰਚ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਰੰਟ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਫੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮੀ ਫੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੂਤ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੀ। ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਕੱਟਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ये हो गया अपना लास्टिक वाला निशान। जड़ा अपना लास्टिक वाला निशान है 2.5 इंच का गा, उस तो बाद आप इस निशान तो लावे लंबाई का निशान। लंबाई हैगी अपने को 38 इंच तैयार। यह हो गया अपना लंबाई का निशान। जिहड़ा अपने अंदर कपड़ा फोल्ड करना गा वो रखांगे आप 2.5 इंच। ये अपन मूरी का निशान ला रहे हैं, इसमें आप 1.25 इंच हटा के एक निशान लावे। उस तो बाद जी अपनी मूरी तैयार आ गई, यानी कि इसकी मूरी हैगी 15 इंच तैयार। ये आप निशान लावे 7.5 इंच से। ये हो गया अपना मूरी का निशान। उस तो बाद उपर ले निशान लावे, पहला लावे आसन का निशान। जो अपने आसन का निशान लाना गा उपर तो लैके इसन लावे आप 14 इंच से, क्योंकि जोड़ा कमीज पजामा जेंट्स हैगा 14 इंच से निशान लावे। उस तो बाद आता अपना पट्ट। पट्ट अपने को 14.5 इंच तैयार। इसनों आप 14.5 से ही लावे, क्योंकि जोड़ा इसका अपने मार्जिन लेना वह अपने बैक बिचों लेना गा। 14.5 से निशान लाया, 1.5 इंच हटा के एक निशान आप होर लावे। इस हिसाब न अपना घेरा तैयार हो जूगा। यह अपना निशान 26 इंच से 13 इंच है निशान, जाने कि अपना 26 इंच घेर तैयार हो जूगा पजामे का। एक निशान आप इस जगह पर लावे, ये आप लावे ढाल का। ये अपने 1 इंच का निशान लाया फ्रंट विच, ये अगले पास अपने ढाल का निशान हो गया। उस तो बाद इसमें आप शेप देवे, शेप इस आप फट्टी नाल देवे, इसमें आप फट्टी नाल शेप देवे। ये देखो अपने इस निशान तो इस निशान तक फट्टी धरी हैगी, पहला पद तक निशान लावे इसका इस तरह। उस तो बाद फट्टी उपर ले जाएंगे, ये अपना एक निशान ला के तैयार है। इसे तरह ये निशान ला लेंगे। इस हिसाब न आप पजामे की कटिंग करांगे। इस जगह पर आप देवे गले ही, त्रै फ्रंट की कटिंग होकर तैयार है। जी अपने ये कटिंग करनी है, इसनों बाद विच करांगे जो अपनी बैक की कटिंग होगी उस दे नाल। इस तो बाद अपने कपड़े नूं इस तरह दूसरी साइड ले जाने। जी अपनी हेठली साइड से उपर चली गई, ये अपनी खुली साइड है जी नीचे आ गई। ये हूँ आप बैक के निशान लावे, जो आप मूरी को लावे वह लावे 1.5 इंच। ये याद रखो भी हूँ आप जो दबाव वाले निशान ला रहे हैं, जिन्ना अपना सिलाइया दबाव आना गा इस हिसाब न
क्योंकि जिहड़ा अपना पजामा तैयार है वह अपने फ्रंट की कटिंग कर ली। ये हो गई सिलाइया निशान, ये अपने डेढ़ इंच के लाए, जिहड़ा अपने उपरला निशान लाना उसनों आप लावे सवा दो इंच के। जेकर जा नाप ज़्यादा भारी है तो तुम इस ढाई से भी कर सकते हो। जिहड़ा अपने ये देखो तुम अपने फ्रंट का निशान आ, ये फ्रंट के निशान तो एक सूत हेठा ये निशान लावे आप इस तरह। उस तो बाद ये भी आप डेढ़ इंच की लावे निशान इस तरह। पहले आप निशान ला लेंगे, उस तो बाद उपरले निशान लावे। ये अपने पजामे की बैक है हेठा, देखो तुम बैक अपने थोड़ी जी ज़्यादा रखनी होंगी हैगी, इसनों आप रखा डेढ़ इंच। इस नाल अपना पजामा जिहड़ा पिछों कदे भी खिच नहीं मारदा, जदों आप बैठते आगे वो प्रॉब्लम नहीं आती हैगी भी अपना पजामा खिच मारूगा इस नाल, क्योंकि ये चीज़ जिहड़ी अपनी वो ज़्यादा हो जाती हैगी। इस जगह पर भी आप गलियाई देवे। उस तो बाद इस निशान आप जो अपना फ्रंट कटिंग करा हुआ इस नाल मिला लेंगे। ये देखो तुम इस तरह। उस तो बाद एक शेप आप फट्टी नाल देवे इस जगह पर। ये देखो अपने निशान लग के तैयार ने, इस हिसाब न आप कटिंग करांगे। इस जगह तो आप कटिंग करनी शुरू करांगे। ये कटिंग आप हूँ करा जो अपने निशान लाया सी पहले फ्रंट उपर, ये चारे पल्लों की कटिंग हो गई अपनी। हूँ ये कटिंग भी आप हूँ करा जो अपने एक इंच की ढाल पानी है फ्रंट विच। इस तरह ये अपनी पजामे की कटिंग होकर तैयार है गई। कुर्ते जी अगे पिछे की कटिंग भी अपने कर ली। उस तो बाद बाजू है जी उसकी कटिंग करांगे। अपने को पजामे के उपरला कपड़ा आ गया, इस विच आप बाजू की कटिंग करांगे। ये दूरा अपने को कपड़ा देखो तुम, इसनों आप इस तरह चार दिन बच्चे फोल्ड कर लेंगे। इन्हों आप मोढ़ा पावे 9 इंच, 9 इंच मोढ़ा पावे। अपने सीधा 9 इंच मोढ़ा पाया, ये 2.5 इंच की हो गई इस ढाल। कमीज आप 3 इंच की पाने होंने, इस आप 2.5 इंच की ढाल पावे। दस इंच अपनी बाजू तैयार खुली हैगी, 14 इंच यानी कि 7 इंच ये तैयार का निशान हो गया। ये हो गया 1.5 इंच। पहले आप बाजू की काट पा लेंगे।
इस तरह अपनी बाजू की कटिंग होके तैयार है। इस कपड़े से आप लवेंगे तीरा, जोड़ा अपने तीरा लेना 11 इंच, पहला आप सिंगल कपड़ा लवेंगे 11 इंच। इसमें डबल कर लेंगे क्योंकि इस दे विच अपने दूरा तीरा पाना गा। तीरा है अपने को 18.5 इंच तैयार। इसमें आप लवेंगे 20 इंच, यानी कि 1.5 इंच ज़्यादा। साढ़े 19 इंच लवेंगे इसमें आप। उस तो बाद आप डबल कर लेंगे। ये अपने चार दे हैं बिच कर लिया कपड़ा, आ तो अपनी बंद है कि इधरली तो खुली है। पहला आप हाले का निशान लावेंगे, जोड़ा हाले का निशान लाना पौने 3 इंच चढ़ाई लावेंगे, 2.25 इंच हेठां नूं लावेंगे। इस तरह इहदी आप गलाई बना लेंगे। ये अपने हाला कट लिया, उस तो बाद उतली ढाल पावे 1.5 इंच की। दो सूत आप हेठां छांटांगे इस तरह, थोड़ी जी ढाल आप हेठां तो पावे, यानी कि 1.25 इंच की। ये अपने को डबल तीरा गा, इस तरह तीरे की कटिंग होकर तैयार है। उस तो बाद जिहड़ा अपने दूसरा खर्चा लाना, जो आप स्टिचिंग करांगे उस टाइम तुहानू दसांगे। इस तरह जी अपनी कुर्ते पजामे की कटिंग होकर तैयार हैगी। जिहड़ा अपने को दूसरा कपड़ा, इस विच आप लावेंगे गीजे कालर कफ, सारा खर्चा इन्हां विचों लावेंगे। कमेंट करके जरूर दसना वीडियो कैसी लगी।